गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ लेसन 15, द स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम। सो आर टुडेज टॉपिक इज रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटिनी। The Indians expressed their unhappiness, but it was not done by all the Indians at a time. सभी Indians ने अपना unhappiness express किया था towards Britishers, but सभी ने एक साथ नहीं किया था। The revolt of 1857 started over a large part of India. India के large part में revolt of 1857 शुरू हो चुका था। This revolt was also known as the first war of independence. 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। इट बिगेन एज अ म्यूटिनी बाय इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। ये एज अ म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था बाय इंडियन सोल्जर्स, जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने शुरू किया था। इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, अ प्लेस नियर दिल्ली। मेरठ यूपी में एक प्लेस है जो दिल्ली के नियर अबाउट है। देन एक्सपेंडेड टू डिफरेंट प्लेसेस, और उसके बाद ये बढ़ता ही गया टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री, लाइक बैरकपुर विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, मेरठ दैट इज़ इन यूपी, दिल्ली, कानपुर इज़ ऑल्सो इन यूपी, लखनऊ इज़ यूपी, झांसी, ग्वालियर, अर्रा एंड फैज़ाबाद। ये यहाँ से बढ़ता ही गया बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का कॉज क्या था? इन 1857 अ न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द आर्मी। 1857 में एक न्यू राइफल आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया था। A rumor spread that the cartridges had a greased paper cover. एक rumor spread हुआ जिसमें कहा जाता था कि जो cartridges हैं उस rifle के अंदर लगने वाले जो cartridges हैं, जो bullets हैं, वो उन पर greased है paper cover से, which had to be bitten off, जिसे bite करके activate किया जाता है। The grease was made of fat of cows and pigs. जो grease था वो cow और pigs के fat से बना हुआ था। This offended both the Hindu and the Muslim soldiers. और इससे हिंदू और मुस्लिम soldiers को बहुत ही बुरा लगा। The revolt spread to many parts of northern and central India. जो revolt था वो spread हो चुका था northern और central India में। See here, मेरठ, बरेली, दिल्ली, ये सभी northern areas हैं, ग्वालियर, झांसी, the northern और central India में revolt पूरा तरह से spread हो चुका था। People from all walks of life supported and took active part in revolt. Different peoples ने इस revolt में support किया as well as actively participate किया. They made Bahadur Shah Zafar, the old and powerless Mughal emperor, as the leader. उन्होंने Bahadur Shah Zafar, जो एक old और powerless Mughal emperor थे, king थे, उनको अपना leader बनाया. Some brave leaders lead people against the British in different parts of North India. Northern India में कुछ brave leaders ने सभी को लीड किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नाना साहिब एंड तात्या तोपे, कानपुर यूपी, नाना साहिब और जो तात्या तोपे थे उन्होंने कानपुर यूपी को लीड किया। कुंवर सिंह ने बिहार में लीड किया। लियाकत अली बेगम, हजरत महल ऑफ अवध यूपी एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वे इम्पॉर्टेंट अमंग देन। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दे कॉल्ड अपॉन द पीपल टू राइज एंड फाइट फॉर जस्टिस अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने सभी लोगों को अपने साथ किया और उन्हें समझाया कि उन्हें एक साथ यूनिटी में फाइट करना पड़ेगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। आफ्टर फियर्स बैटल द ब्रिटिश सोल्जर्स कैप्चर्ड दिल्ली सिटी एंड द पैलेसेस। एक बहुत ही फियर्स बैटल हुआ और उसमें जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, कैप्चर्ड दिल्ली सिटी और वो जो पैलेस था उसको कैप्चर कर लिया। दे किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उन्होंने बहुत सारे लोगों को किल किया। मैनी विलेजेस वेयर बर्न डाउन, थाउजेंड्स वेयर हैंग्ड, बहादुर शाह जफर एंड हिज टू सन्स वी आर टेकन प्रिजनर्स। बहुत सारे विलेजेस को बर्न कर दिया गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हैंग कर दिया गया। बहादुर शाह जफर और उनके जो टू सन्स थे उनको प्रिजन में डाल दिया गया। द सन्स वी आर लेटर शॉट डेड एंड द ओल्ड एम्परर वर सेंट अवे टू बर्मा। उसके बाद जो उनके दोनों सन थे उनको शूट कर दिया गया और जो ओल्ड एम्परर थे उन्हें बर्मा में भेज दिया गया, विच इज़ इन म्यांमार। Then result of revolt is revolt का result क्या रहा? The revolt was failed. ये जो revolt था वो fail हो गया as the British had bit better trained soldiers and superior weapons, because Britishers के पास trained soldiers और superior weapons थे
वेपन्स मीन्स हथियार. मोर एवर द इंडियंस वेयर डिसऑर्गेनाइज एंड हैंस दे लॉस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश. बट जो इंडियंस थे वो डिसऑर्गेनाइज थे, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हुई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ये बैटल लूज कर गए. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट वॉज एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और इसका रिजल्ट क्या रहा, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट क्या रहा इस रिवॉल्ट का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड आ गया. इट वॉज टेकन ओवर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया. द इंडियन प्रोविंसेस वे ब्रॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज. जो इंडियन प्रोविंसेस थे उन्हें ब्रिटिश राज ने अपने अंडर कर लिया. अ गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंट बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रूल ओवर इंडिया. एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया पे रूल करने के लिए. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वायसरी, उन्हें वायसरी के नाम से बोला जाता था. द न्यू रूलर्स ऑल्सो ऑप्रेस द इंडियन पीपल, जो न्यू रूलर्स थे उन्हें ऑप्रेस किया गया बाय इंडियन पीपल. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट सक्सीड इन फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल. जो रिवॉल्ट था 1857 का उसमें सक्सीड नहीं रहा इंडिया को फ्री करने में फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिशर्स से. बट इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ अ जॉइंट रेजिस्टेंस बाय इंडियंस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. बट ये एक फाउंडेशन बेस बना कि डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से सभी इंडियंस ने एक साथ जॉइंटली एक बैटल लड़ा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियंस लेटर फ्रीड इंडिया फ्रॉम शैकल्स ऑफ ब्रिटिश रूल. और यही जो डिटर्मिनेशन था कि हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम चाहिए, ये लेटर ऑन इंडियंस को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रगल टवर्ड्स फ्रीडम. जो फ्रीडम फाइटर्स ने फेस किया, जो उस टाइम पे इंडियंस थे उन सब ने कितना कुछ फेस किया सो दैट हम ब्रिटिशर्स से हमें फ्रीडम मिल सके. ओके, सो रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली and try to find out book work and question answers of this chapter. Thank you and goodbye.